फैक्टर करना होता है इसको, कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है ना। करने का तरीका भाई सबको पता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगाते हैं। इसके करने के तीन मेथड है ना, लेकिन मिडिल टर्म वाला मेथड किसी की जल्दी समझ में नहीं आता है, एक एक साल लग जाता है लोगों को समझने में। क्या कॉन्सेप्ट है कि एक्स स्क्वायर के साथ पहले देखेंगे यहाँ पर कोई कोफिशेंट है, टू या थ्री या कोई नंबर है, नहीं है, वन है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या टू होगा तो भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव होगा कोई भी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं तो वन है तो वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को, यहाँ पर जो नंबर होगा, यहाँ पे ये ए होता है, यहाँ पे बी होता है, ये नंबर को सी कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, और यहाँ वन ही है तो मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 90 आया, 90 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 90 का आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए भाई, टू से आप ये रफ कॉलम है, ठीक है, टू 45 द 90 और 3 1 3 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, आपके पास नंबर आ गए 2 × 3 × 3 × 5, हर बच्चा यहाँ तक कर लेगा ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या है, आप लोग एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आए और जोड़ने या घटाने पर ये वाला नंबर आए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 3 5 15, 15 6 90 तो हो रहा है, लेकिन 15 में से 6 जाएगा 13 बचेगा, नहीं बचेगा, 15 में 6 ऐड करेंगे 13 बचेगा, नहीं बचेगा, ना जोड़ने पर आ रहा है वो बीच वाला नंबर, ना माइनस करने पर आ रहा है, तो ये फॉर्मेशन गलत हो गया। तो हमारे पास क्या था, 2 × 3 × 3 × 5 था, पहले हमने ये शुरू के दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया था, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये लिख लिया था ना, लेकिन वैसे काम नहीं बनना। अब हम बीच के ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 और ये 2 9 2 5 5 2 10, ठीक, और 9 10 90 हो गया, ठीक, यहाँ तक तो सही आ रहा है। अब 9 10 90 हुआ, अब हम क्या करें, 10 में से 9 10 में 9 जोड़ें या 9 में 10 जोड़ें, 19 आ रहा है, और या 10 में से 9 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हमें 13 चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 13 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो 90 मिलना ही चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 90 मिलना चाहिए, लेकिन उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ने पे या घटाने पे 13 आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो ये वाला फॉर्मेशन भी गलत हो गया। तो हमारे पास फिर क्या नंबर थे, 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 3 × 3 × 5, अब हम क्या करें, 6 6 6, हाँ 18 को 5 से करेंगे, 18 5 से 9, हाँ, अब हम इन तीनों को एक फॉर्मेशन लेके ले रहे हैं, 2 3 6 6 3 18, 18 को अगर हम 5 से कर रहे हैं, 18 5 90 आ रहा है, और 18 में से अगर हम 5 घटा दे रहे हैं तो 13 भी आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मेशन हमारा सही बैठ रहा है, ये फॉर्मेशन हमारा सही बैठ रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, दो काम चाहिए, पहला काम कि मल्टीप्लाई करने पर दोनों नंबरों को ये -90 है, और उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ने या घटाने पर -13 है, तो हम मल्टीप्लाई करने पर 90 पा रहे हैं और इन्हीं दोनों घटा रहे हैं तो 13 आ रहा है, ठीक। मुद्दा ये है कि -13 है, यहाँ माइनस लगाए, याद रखिएगा जब भी इस नंबर से पहले माइनस लगाओ, इस नंबर से पहले माइनस लगाओ, एक ट्रिक बता रहे हैं कि ये दोनों में से एक नंबर आप माइनस में लेंगे, दोनों माइनस में कभी नहीं लेंगे, एक ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि जब इन दो मल्टीप्लाई, क्योंकि जब एक नंबर को दोनों को माइनस में लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए कोई एक माइनस में लेंगे, और कौन सा माइनस में लेंगे, याला माइनस लेंगे कि याला माइनस में लेंगे, तो ये यहाँ से पता चलेगा, अगर इस ये नंबर से पहले माइनस लगा है तो बड़ा नंबर माइनस में, छोटा नंबर प्लस में, बड़ा नंबर कौन सा है, 18, ये माइनस में रहेगा, माइनस 18 हो गया, और याला नंबर प्लस में रहेगा, तो -18 + 5 माइनस प्लस माइनस 18 + 5 गया, 9 बचा, अरे 13 बचा, लेकिन माइनस का 13 बचेगा क्योंकि 18 बड़ा है, देखिए माइनस का 13 आ रहा है, माइनस 13 आ रहा है। अब इन्हीं दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, -18 × 5, 18 5 90, माइनस लगा था माइनस लग गया, समझ गई, yes। तो वीडियो को फिर से देखना है, जाके बार बार देखना है, समझना है कि दो बातें बताई कि अगर 11 नंबर से पहले माइनस लगाएं तो हम क्या करेंगे, एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, कौन सा माइनस में होगा, कौन सा प्लस में होगा, जो यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो बड़ा नंबर माइनस में, यहाँ पे अगर प्लस लगा है तो बड़ा नंबर प्लस में, ठीक है, यही बात याद रखनी है, ठीक है। तो हम अब उतारते क्या है, ये उतारते हैं, ये नहीं मल्टीप्लाई वाला नहीं, ये वाला नंबर, ये ऐसे ही उतार लेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस 90 ऐसे ही उतार लेंगे, इसको हटाएंगे, इतना हिस्से को हटाएंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -18 + 5, -18x + 5x, ठीक। अब फोकस सब जगह से हट के यहीं पर आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, जो इन दोनों में है, देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे x दो बार लिखा है, यानी कि यूँ लिखा है x × x, यहाँ पे 18x है, यानी कि 18 × x लिखा है, समझ लिए।
प्लस यहाँ पे 5 × x है, यहाँ पे 90 को ऐसे तोड़िए, 18 × 5 = 90, ऐसे ब्रेक करके हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब हम ये प्लस है इसको इधर रखिए, इतने हिस्से में पहले फोकस करिए, यानी इतने हिस्से में देखिए क्या कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ब्रिज इसको मान लिए, तो जो कॉमन है उसको हमने बाहर रखा, कर्ली ब्रैकेट लगाया या याला ब्रैकेट लगाया, क्या बचा, याला x बचा, याला माइनस बचा, यहाँ से x चला के 18 बचा, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ प्लस लगाया, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है तो 5 लिख लिया, फिर यहाँ x बचा, याला माइनस लगाया, यहाँ से 5 चला गया, 18 बचा, x माइनस 18 दोनों में बच गया, सामने लिख लिया x माइनस 18 जो दो बार है, एक बार लिख लिया जो सेम सेम है, बचा x प्लस 5, x प्लस 5 उतार दिया, ठीक। इसी सवाल को बार बार देखिए, पूरी वीडियो देखिए कैसे बताया है, एक एक स्टेप को देखिए गौर करके, तब आएगा, वरना ये ज़िंदगी भर एक एक साल तक करते रहेंगे नहीं आएगा, लोगों को एक एक साल लगता है परफेक्ट होने में। इसमें जो दो बातें ट्रिक बताई उसका फोकस रखिएगा, बाकी इसके रिलेटेड 100 सवाल लगाएंगे तब कर पाएंगे प्रैक्टिस एग्जाम में, ठीक है।